स्पेशलिटी ये हाइड्रोलिक रहती है, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो, इसका ये रिक्लाइनर है, इसको भी आप आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। ये हेडरेस्ट है, ये भी निकाल सकते हो। तो सलून वाला कोई सीधा अगर फैक्ट्री से खरीदेगा तो बीच में कोई डीलर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो उनको एक चेयर के पीछे ऐसे पकड़ के चलो 5-6 हजार का तो भी डिफरेंस आ ही जाता है। यहाँ पे नाखून से लोग खराब करते हैं, इसीलिए स्टील हैंडल वाली चेयर सबसे ज्यादा चलती है। और इसको जितनी पोजीशन में चाहिए उतना रिक्लाइन होगा। आपका लेडीज पार्लर हो या जेंट्स सलून हो, इतना रिक्लाइनर एंगल सफिशियंट है आपको। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी ब्लॉग्स में। फिर से मैं आज को नासिक में महाराष्ट्र में, यहाँ पे आपको सैलून चेयर की काफी सारी रेंज वगैरह मिल जाती है। फिर से आया मैं प्रोस्पर्न इंडस्ट्री पे, यहाँ पे आपको सैलून चेयर, मसाज चेयर, आपको शैम्पू स्टेशन की काफी सारी आपको रेंज वगैरह मिल जाती है। फैक्ट्री प्राइस मिल जाता है आपको, काफी मजबूत मतलब आपको चेयर वगैरह मिल जाती है। बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ के ओनर फिर से जुड़ चुके हैं। सर वेलकम करता हूँ फिर से अपने चैनल पे। आप लगातार आपकी वीडियो मेरे चैनल पे आ रही है, पुरानी वीडियोस पे भी काफी ज्यादा हमारे व्यूअर्स ने प्यार दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे छोड़ दूं, वहां पे आप जाके अपनी क्वेरीज वगैरह चेक कर सकते हो। तो सर एक बार फिर से बताइए क्या एड्रेस वगैरह क्या रहने वाला, कितने साल से आप काम कर रहे हैं यहाँ पे? सर अपने फैक्ट्री को 7 साल हो गया है। ओके। और ये अपना नासिक महाराष्ट्र में है जी जी। और हम लोग ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई करते हैं सर। ओके। और सर मैं कैटेगरीज की बात करूं, कौन कौन सी चेयर्स मिल जाते हैं अपने पास में? अभी सर आप जैसे देख सकते हो ये हाइड्रोलिक चेयर है, सलून चेयर हो गई, शैम्पू स्टेशन हो गया जी, मसाज बेड हो गया, कटिंग स्टूल, ट्रॉली, पेडिक्योर, मैनिक्योर, मतलब सलून पार्लर को लगने वाली जो कुछ फर्नीचर वाली चीजें होती है वो सारी हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं इन हाउस। और प्राइसिंग की बात करूं, जैसे आपने बताया मैन्युफैक्चर प्राइस, तो आपको होलसेलर से भी बेस्ट प्राइस मिलता है अपने पास में? एक्चुअली देखिए सर, सलून वाला कोई सीधा अगर फैक्ट्री से खरीदेगा तो बीच में कोई डीलर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो उनको एक चेयर के पीछे ऐसे पकड़ के चलो 5-6 हजार का तो भी डिफरेंस आ ही जाता है, मिल जाता है डिस्काउंट अगर आपको काफी अच्छा मिल जाता है। सो बिना स्किप करे पूरी वीडियो को जरूर देखना, सब्सक्राइब वाला चैनल को जरूर करें। इनकी वीडियो लगातार मेरे चैनल पे आ रही है और लगातार आती रहेगी, क्योंकि काफी सारी इनके पास चेयर्स वगैरह है और आज की वीडियो में इसके बारे में पता करने वाले हैं क्या खास है इस चेयर में, क्या स्पेसिफिकेशन चेयर की रहने वाली है। सो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस राइट नाउ हमारे सर प्रोस्पर्न इंडस्ट्री से अभी सी सर ये फिर से जुड़ चुके हैं। सर वेलकम करता हूँ फिर से अपने चैनल पे। सर एक क्वेश्चन है मेरे मन में, जैसे कोई नया अपना सैलून का काम चालू करना चाहता है तो क्या वो आपसे जुड़ सकता है या सिर्फ आप होलसेलर को ही आप देते हो? नहीं सर, आपको सिंगल पीस भी चाहिए तो भी मिल जाएगा, सिंगल पीस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। ओके, तो आपके पास काफी सारी चेयर्स वगैरह देख पा रहा हूँ, तो आज की वीडियो में कौन सी चेयर दिखाने वाले हो आप? सर आज की वीडियो में मैं आपको, वैसे तो देखिए 150 अलग अलग प्रोडक्ट है जी जी, पर जो मैं दिखा रहा हूँ अभी वो जो रनिंग मॉडल है वही दिखा रहा हूँ जी जी। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक सलून चेयर, ये जेंट सलून में भी यूज होता है, लेडीज पार्लर में भी यूज होता है जी जी, ठीक है। इसका स्पेशल, हाँ इसका क्या होता है स्पेशलिटी, ये हाइड्रोलिक रहती है, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो जी जी। इसका ये रिक्लाइनर है, इसको भी आप आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। ये हेडरेस्ट है, ये भी निकाल सकते हो जी। तो अभी मैं इसका हाइड्रोलिक आपको पहले तो दिखा देता हूँ, ये अभी फुल पंप करोगे जी तो ये नीचे जाएगा, नीचे चले जाएगा। ओके। और हाफ पंप करोगे इसको तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाते जाएगा, ठीक है। और ये 360 डिग्री रोटेशन में होता है सर, आप इसको कौन से भी एंगल में घुमा सकते हो। और इसका ये स्पेशलिटी है सर कि ये स्टील हैंडल में बनी रहती है, आप इसका जो डिजाइन भी देख सकते हो ये स्टील हैंडल में बनी है। तो स्टील हैंडल का बेनिफिट क्या होता है सर, जब कोई कस्टमर बैठता है ना जी जी। तो अगर समझो यहाँ पे रेक्सिन वाली चेयर है, रेक्सिन हैंडल है, तो बैठे बैठे लोग ऐसे नाखून से खरोचते हैं और वैसी टाइम लगता कटिंग को काटने। हाँ, तो वो रेक्सिन आप कहीं भी इंडिया में कोई भी सलून चेयर देख लो जिसको हैंडल कुशन का है, उसका अगर कोई डैमेज पार्ट आपको दिखेगा तो इतना पार्ट ही दिखेगा जी जी। क्योंकि यहाँ पे नाखून से लोग खराब करते हैं, इसीलिए स्टील हैंडल वाली चेयर सबसे ज्यादा चलती है। ओके। और इसको जैसे मैंने हाइड्रोलिक का फीचर बता दिया, वैसे रिक्लाइनर का भी फीचर है जी। आप इसको रिक्लाइनर को ढीला कर दोगे तो ये आपको जितनी पोजिशन में चाहिए उतना रिक्लाइन होगा जी जी। आपका लेडीज पार्लर हो या जेंट्स सलून हो, इतना रिक्लाइनर एंगल सफिशियंट है जी जी। आपको लेडीज पार्लर में अगर आईब्रो करना है या फिर फेशियल करना है, मसाज करना है जी या जी। फिर जेंट्स सलून में शेविंग करना है तो इतना एंगल सफिशियंट होता है। अगर आप इसको टाइट कर दोगे तो ये पोजिशन में ये लॉक एंगल पे रहेगा। हाँ, और अगर इसको आप आगे करोगे और ये टाइट कर दोगे तो ये फिक्स हो गया अभी, ठीक है। और इसका हेडरेस्ट भी होता है सर, आप ये इसको
निकाल भी सकते हो, इसलिए आप निकाल सकते हो, या शेविंग वगैरह के लिए इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। ये दोनों के लिए कंफर्टेबल चेयर है, जेंट्स भी और लेडीज भी। ठीक है सर, अभी इसका और एक क्या है सर, ये एसएस में बना होता है ये हैंडल, एसएस में बना हुआ है। तो इसको लाइफ में कभी भी जंग नहीं लगेगा। अगर लाइफ में कभी भी जंग लग गया ये हैंडल को, मेरे पास आ जाना, मेरे पास वो भेज देना, मैं उनको नया फ्री ऑफ कॉस्ट हैंडल दे दूंगा। पूरी लाइफ में कभी जंग मतलब कस्टमर का पूरा संतुष्ट यस सर यहां से आपको। और अभी इसमें सर ये जो बेस लगा हुआ है नीचे, तो ये बेस है स्टील का एसएस का, तो इसको भी जंग लगने नहीं वाला, रस लगने नहीं वाला सर। जी जी, ठीक है। और अभी इसका फोम की बात करूंगा, तो ये फोम 40 डेंसिटी का फोम यूज किया हुआ है, मतलब मार्केट में जो 28 का यूज करते हैं, 30 का यूज करते हैं, तो हम लोग हाई क्वालिटी का 40 डेंसिटी का फोम यूज करते हैं। मतलब अभी जैसे मैं इसके ऊपर आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, अभी कुछ भी नहीं किया मैंने, इसको ऑटोमेटिक इसके पोजिशन पे आ गए। तो ये होता है क्वालिटी मटेरियल। जी जी, ठीक है। और इसका रेगजिन जो है सर, ये इटालियन रेगजिन है, इम्पोर्टेड रेगजिन है। आपको और अच्छा चाहिए तो और भी मिलेगा, उस हिसाब से प्राइस वगैरह आपके इंक्रीज होता है। यस यस यस, पर ये इंपोर्टेड रेक्सिन है। जी ओके। और कलर ऑप्शन का अगर देखेंगे सर, तो कलर एनी टाइम आपको अवेलेबल है, मतलब आप इंटरनेट से कोई भी कलर दिखाओगे कि ये कलर में मेरे को चेयर बना के चाहिए। अच्छा, तो कस्टमाइजेशन आपको अवेलेबल यहाँ पे हो जाती है टोटल सर, कस्टमाइजेशन। समझो आपको लग रहा है कि मेरे को ये थोड़ा छोटा करके चाहिए, जी, जी, जी। बड़ी करके चाहिए, चौड़ी करके चाहिए, वो भी। ये मैन्युफैक्चरिंग करने का बेनिफिट ये होता है कि आपको आपके हिसाब से चेयर बना के मिलेगी। जी, दिमाग आपका हुआ काम हमारा। यस यस यस। और कलर भी आपको कोई भी मिल जाएगा, बट हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है 99% सलून में तो ब्लैक कलर ही चलता है। जी, क्योंकि आप हेयर डाई करते हो, कलर करते हो, तो वो अगर लाइट कलर लोगे इसके जगह पे, तो उसके ऊपर वो डाग अगर गिर गया उसका हेयर कलर का, तो वो उठ के दिखता है। या फिर आप हेयर कट जब करते हो तो ये साइड में यहाँ पे बाल फंस जाते हैं, तो वो जरा गंदा दिखता है। इसके वजह से ब्लैक कलर क्यों चलता है, वो सारी चीजों को हाइड कर देता है। जी। और सर वारंटी गारंटी किस तरह सर? अभी जैसे हैंडल का तो मैंने बता दिया कि लाइफ लॉन्ग की वारंटी है, इसको कुछ नहीं गंज पकड़ने वाला। और हाइड्रोलिक का जो है, इसको एक साल का रिप्लेसमेंट का गारंटी सर, पीछे वाले का एक साल की वारंटी होती है। मतलब एक साल में अगर हाइड्रोलिक को कुछ भी हो गया सर, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे इधर से आपको नया हाइड्रोलिक मिल जाएगा। ठीक है। और एक साल बाद खराब हो जाता है, समझो 5-10 साल बाद, तो जो कॉस्टिंग रहेगा उसका आप उतना पेमेंट ट्रांसफर कर दोगे तो हमारे इधर से नया हाइड्रोलिक आपको मिल जाएगा। जी, और ये जो रिक्लाइनर मैंने आपको बताया आगे पीछे करने वाला, जी, तो उसकी 5 साल की वारंटी है सर। 5 साल की वारंटी मिलती है। 5 साल में अगर ये रिक्लाइनर करते करते कुछ आगे पीछे नहीं हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो इसको हम लोग 5 साल के अंदर खराब होता है तो रिपेयर करने हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। और जैसे दूसरा चीज मैंने बताया, ये जो बेस है इसको तो लाइफ लॉन्ग की गारंटी, इसको रस्ट वगैरह कुछ नहीं पकड़ने वाला। यस ओके। और मैं सर बात करूं, कैसे जुड़ सकता है कोई व्यूअर, जैसे जुड़ता है तो कोई? देखिए सर, अभी आप लोगों ने, आपने जो हमारे नंबर डिस्प्ले किए, कोई अगर हमको कॉल करता है तो हमारी टीम पूरा उनको चेयर के फोटो कीमत के साथ व्हाट्सएप कर देंगी, पूरी डिटेल उनको इन्फॉर्मेशन बता देगी। जी ठीक है। और उनको जो मॉडल चाहिए फिर वो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकता है, या फिर कोई इधर से आके ऑर्डर करना चाहता है तो इधर कंपनी में आके भी बुकिंग कर सकता है। अच्छा, जैसे सर आपने भी ऑनलाइन की बात करी, ऑनलाइन में तो कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं रहता है हमारे पास में, एडवांस पेमेंट करना पड़ता है। आपका पेमेंट आ गया कि दूसरे दिन चेयर यहाँ से निकल जाती है। जी जी, मतलब ऑनलाइन आपकी पेमेंट रहती है लेकिन एडवांस में पेमेंट करनी होती है। हाँ, आप ऑनलाइन करो या फिर यहाँ पे आके करो पेमेंट एडवांस करो। आपने पेमेंट की बात कर दी एडवांस लेने की, आप इसमें कई लोगों का खटक रहा होगा कि भाई ट्रस्ट इशू, हाँ कैसे बिलीव कर सकता है, क्योंकि घर बैठे मंगवा रहा है तो कोई यूट्यूब पे फ्रॉड भी होते हैं, कई सच्चे भी होते हैं, तो कैसे यकीन करेंगे आप पे? सर अभी कैसा होता है, YouTube में कोई जेन्युइन लोग भी है, फ्रॉड लोग भी है। जी ठीक है। अगर ऐसा है, अगर चीज रहेगा तो आप हमारा गूगल रिव्यू देख लीजिए। जी। या फिर आपका हमारी कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, उसमें अगर कोई, अगर हमने किसी का पैसा लिया और चेयर दिया नहीं तो सीधी सी बात है ना, कोई कमेंट में जाके कमेंट डालेगा, बोलेगा। आज ऑनलाइन के दुनिया में तो कुछ छुपता नहीं। जी जी। ठीक है। और कोई ट्रस्ट का इशू होगा, आपको क्वालिटी का इशू होगा, आप यहाँ पे आके आपके हिसाब से मटेरियल सब देख के तसल्ली करने के बाद में ही ऑर्डर कीजिए। ओके। ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। या फिर आपके पास कोई आने को नहीं, इतना दूर जमेगा,
तो वीडियो कॉल पे भी आप देख सकते हो, वीडियो कॉल पे भी पूरा दिखा देंगे। ओके सर, ये बोर्ड देख पा रहा हूँ, बोर्ड किस चीज का लगा हुआ है? ये सर वेटिंग के बोर्ड है। अभी कैसे रहता है ये, अलग अलग ऑर्डर के अलग अलग कोई कस्टमाइजेशन रहता है, कोई कलर में बनवाता है, किसी का मॉडल ही बहुत यूनिक होता है, किसी को छोटा बड़ा चाहिए रहता है। तो आप देख सकते हो मिजोरम, केरला, ये दिल्ली, हैदराबाद, छत्तीसगढ़, हाँ जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, गुजरात, वो वहाँ पे और एक बोर्ड भरा हुआ है। ऑल ओवर इंडिया में सर सप्लाई करते हैं। सर मैं बात करूँ किस तरह से कैसे जाता है अपना माल सर? अभी अभी देखिए, ये चेयर अगर स्टॉक में है, आपने अगर फोन किया तो आपको हमारी टीम बता देगी कि ये स्टॉक में है या नहीं है। अगर स्टॉक में है तो आपने पेमेंट कर दिया, दूसरे दिन निकल जाएगी। अगर आपको कुछ कस्टमाइजेशन करना है, कलर में चाहिए कुछ, तो उसको बनाने के लिए टाइम लगता है। जी, जी, तो वो टाइम भी हमारी टेलीकॉलर आपको बता देगी कि सर ये चेयर को इतना दिन लगेगा, इसको इतना टाइम लगेगा। ठीक है, एक बार चेयर हमारे यहाँ से ट्रांसपोर्ट में लोड होगी तो हमारी टीम आपको बता देगी कि ये ट्रांसपोर्ट को कितने दिन लगेगा। मतलब कैसे कि अगर कोई लोकल यहाँ से आ रहा है, नासिक से आ रहा है, तो उसको ट्रांसपोर्ट में तो दिन लगने नहीं वाले। यहाँ से उठा के उसको हार्डली आधा घंटे पे अगर उसका शॉप रहेगा तो लेके जा सकता है। नासिक से अगर मेरे को दिल्ली भेजना है, आसाम भेजना है, तो ट्रांसपोर्ट के लिए भी दिन लगेगा, पांच छह छह दिन, सात दिन, वो भी आपको टेलीकॉलर डिटेल में बताएंगे। मतलब पूरा कनेक्शन मिला रहेगा। यस सर जी। और मैं सर बात करूं, जैसे डैमेज वगैरह भी निकल जाता कभी कभी एक हाथ पीस, ट्रांसपोर्ट में जा रहा तो माल। हाँ ये सर देखिए, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, ऐसा झूठ मूठ बोलना नहीं है कि कुछ नहीं होने वाला। होता है, डैमेजेस होते हैं, कभी कभी होते हैं। हम लोग यहाँ पे पैकिंग अच्छी से करेंगे, ठीक है, फिर भी ट्रांसपोर्ट में जब कुछ अगर इसको लग गया तो कुछ ना कुछ डैमेज हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, वो पार्ट यहाँ से समझ लीजिए, अगर ये रेगजिन ही ये फट गया या फिर ट्रांसपोर्ट वाले ने इसके ऊपर कुछ लोड रख दिया, ये हैंडल बेंड हो गया या खराब हो गया, हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पार्ट वापस से भेज देंगे, कुरियर का भी पैसा नहीं लेंगे। ठीक है, और उसमें क्या सिस्टम रहता है सर, हमारे यहाँ पे सिस्टम ऐसा है, आपका चेयर बन के रेडी हो गया, आपको पहले वीडियो दिखाया जाएगा, वीडियो कॉलिंग हाँ, दिखा दिया, नहीं वीडियो कॉलिंग भी किया जाएगा या फिर वीडियो भी भेज दिया जाएगा, आपको पहले फिनिशिंग दिखा दिया जाएगा, आपका कंफर्मेशन हो गया, फिर हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट में डालने से पहले इसको कोरोगेटेड बॉक्स से पैकिंग करेंगे। ठीक है, पैकिंग होने के बाद का भी वीडियो देंगे कि भाई ये अभी इस तरीके से पैकिंग हो गई, मतलब आपकी वो भी तसल्ली हो गई कि चलो सही से पैकिंग हो गई है, फिर हम लोग ट्रांसपोर्ट में डालेंगे। इतना सिस्टम से काम चलता है सर। तो सर कैसे जुड़ना होगा, कहाँ पे आना होगा, क्या लोकेशन रहती है अपनी? सर ये नासिक महाराष्ट्र में है, अंबड़ MIDC है, यहाँ पे आपको आना है तो आप आ भी सकते हो। नासिक में कहीं आपका कहीं भी आ जाओगे तो हमारी टीम आपको डायरेक्शन दे देगी, अगर नहीं समझ आ रहा है तो हमारा कोई आदमी आपको लेने आ जाएगा, या फिर आप वीडियो कॉल कर सकते हो, या फिर आप पर्सनली आ सकते हो, या फिर आपका कोई रिलेटिव है, दोस्त नजदीक में कोई रहता होगा यहाँ से, उनको भेज सकते हो। सारी सिस्टम है। थैंक यू सो मच सर। यस सर।